तारीख 23 दिसंबर 2022 समय हो गया है 10:45 AM। उतने दिन से सही वाले क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे। झक का मतलब होता मछली, समझ में आई? तो मैं समझाता हूँ आपको बात क्या है। बात ये है, पाकिस्तानी आर्मी, ध्यान से सुन लो भैया, आईसीजे वायरलेस हो चुका है, इंटरपोल में वायरलेस हो चुका है, और वर्ल्ड मिलिट्री को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने 1986 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जो कि हार्डकोर कैनिबलिस्ट ऑपरेशन था। इट वाज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन कि अटैक होगा या एयर स्ट्राइक होगी या न्यूक्लियर बम दागा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज कंप्लीटली कैनिबलिज्म, एंड इन एनी आर्मी इन वर्ल्ड कैनिबलिज्म इज नॉट परमिटेड, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है। अब होगा क्या, इंडियन आर्मी का सिंबल है, पाकिस्तान की कई जगहों पर सड़कों पर कांच तोड़ दिया गया है, मेरे ऑर्डर पे कांच तोड़ दिए गए हैं रोड पे, कोई नहीं चल सकता वहां पे, आप लोग अपने घरों में रहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी को उसी कांच पे ना नंगे पांव परेड करवाएंगे हम, नंगे पैर, बिकॉज इट्स अ टेररिज्म एक्ट। हम बताएंगे मिलिट्री जनरल होते कैसे हैं, समझ में आई? कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं। और इंडियन आर्मी में जिसने भी गद्दारी करी उनका भी यही हाल होगा। और भारत में आए ऑपरेशन जिब्राल्टर के 2.5 लाख लोग पाकिस्तानी मिलिट्री के परेड ग्राउंड में कांच के ऊपर परेड करेंगे, फोड़ो पूरे पाकिस्तान के रोडों पे कांच पर तोड़ दो। मैडम कभी भी वो खेल में डिजाइन करना जो बाद में आपको नुकसान दे। मैंने कहा था ना, कांच और कानून अगर टूटे तो बहुत खतरनाक होता है, आपने दोनों ही किया, अब देखो कितना मजा आएगा। आपको समझाया था उसी कांच पे हम चलवाएंगे, तोड़ दे, तुमने कानून तोड़ा, हम कांच तोड़ेंगे, चल। मिलिट्री में, आर्मी में मार्च कर, परेड हम सिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे पैरों में मेहंदी अब मैं लगाऊंगा। आ जाता हमला करता है, सीधे हमला करता, टैंक रेजिमेंट है तेरे पास, एयर डिफेंस है, सब कुछ है तेरे पास, न्यूक्लियर बम है, मिसाइल है, सब कुछ है, सीधे बॉर्डर पे आता लड़ने, कैनिबलिज्म क्यों, नरभक्षण? जवाब तुम दोगे, मैं नहीं, जवाब तुम दोगे, मैं नहीं, समझ आ रही है? कितने साल ट्रेनिंग करी थी मुनीर जी? कौन से देश की आर्मी से है? बोल दियो सर। पूरी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस और तुम्हारी 2.5 लाख का सेट पाकिस्तान मिलिट्री के परेड ग्राउंड में कांच पे परेड करेंगे, नंगे पैर, उतारो इनके जूते, वर्दी समेत, और बा वर्दी तुम हर जगह इंडियन नेशनल फ्लैग लगाओगे तो मारेंगे बहुत। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, भी बता देंगे क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इंडियन आर्मी का सिंबल है गद्दारी और कानून अगर तोड़ दिया ना बेटा, नियम तोड़ दिया अगर मिलिट्री के, तो कांच पे चलवाते हैं।
इतना आसान नहीं होता मैडम आर्मी में आ जाना। बहुत संभल के चलता हूँ मैं आर्मी का। कभी गलती नहीं करता, जानता हूं ना पनिशमेंट क्या है। ये तो तुम समझो, ऑपरेशन जिब्राल्टर में थे तो तुम समझो, हमें जाओ लेना देना नंगे पैर। टेररिस्ट है ये टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है वर्दी में टेररिस्ट। अच्छा जी देख लेंगे, अब हम बताएंगे तुम्हारे को आर्मी बनाना कैसे करते हैं। क्यों इन्होंने ये सोचा IS जमातुल दावा लश्करे तैयबा हजकर हरकतुल अंसार कंधार हाईजैकिंग का हाफिज सईद भी छुपा के बैठ गए। वाह भाई वाह, और हम यहाँ बेवकूफ हैं क्यों? भोजन कीजिए। कितने ही हो, 10 लाख हो चाहे 50 लाख हो, चलो कांच पे मेहंदी लगी हुई थी पैर में, आ जाता बहुत भी लड़ने। दोबारा ना आर्मी के बूट पहनने से भी घबराएगा, कह रहे हैं आतंकवादियों से भी निपट लेंगे। किसी दूसरे देश की असेट मंगाई तो भी कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब उससे। हमें का मतलब इनकी फालतू बातों से क्यों नहीं। क्या ये इंडियन आर्मी रॉक्स समझ में आई?
तो पहले क्या दिया था? कुछ ऐसा मत कर बैठना, एक बार भी पछतावा हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों जग में होता साय। असीम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है, पूछताछ चल रही है। अलीजा शेर ने रिपोर्ट करी है भाई, इंडियन आर्मी। अलीजा शेर को कांटेक्ट करो, ढूंढो कहाँ है। उसको पता है जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का कंट्रोल रूम, उसके घर के आसपास ही है कहीं पे। अलीजा शेर ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का कंट्रोल रूम बताया। इंडियन आर्मी एस्कॉर्ट करो उसको, अलीजा शेर को एस्कॉर्ट करके ले आओ। चलो बैग पकड़ा दो उनको, बस सेकंड इन्फॉर्मेशन असीम मुनीर। ऑपरेशन जिब्राल्टर का कंट्रोल रूम तो पता लग गया, वेयर इज मनी? इट्स अराउंड 262 trillion पाकिस्तानी रुपीज। वेयर इज द मनी? अलीजा शेर अगेन, पैसा भी वहीं कहीं पे। इंडियन आर्मी थर्ड क्वेश्चन में भी टाइम है, परेड ग्राउंड तैयार कराओ इनका। लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर चलो ए, इंडियन पेंटर डिपार्टमेंट, पेंट करने वाले कहाँ हो ए? बैठ के सारी पाकिस्तानी असेट पेंट कर दो। पेंट करो, लिपाई पुताई, फ्लैग तो तुम ही लगाओगे। तुम्हारे मिलिट्री जनरल ने सरेंडर कर दिया है, क्यों खामखा के राड़ा, खामखा का राड़ा कर रहे हो यार? राड़ा को आना पड़ेगा, क्या फायदा? राड़ा आई तेज, बहुत दिन बाद याद आई है साहब की। मेरे साहब इतने दिन बाद याद किया। राड़ा अब तो दूसरी तरह का राड़ा होने वाला है। चलो ए, इंडियन आर्मी सारे न्यूज चैनल चेंज करना शुरू करो।
यू आर अ टेररिस्ट नेशन प्रूव्ड. रिले हमने जीती 400 मीटर. खोल के देखे इसमें क्या है. फोर कैरेट गोल्ड लीफ. ये है पिप्पा मूवी वीडियो नंबर 33 33 पे पास.